2020 में कुछ अच्छा हुआ नहीं है, तो ये कुछ अच्छा हुआ है कि इतने बड़े प्रेस्टीजियस अवार्ड शो में मुझे बुलाया गया और नॉमिनेट किया गया एज़ यूथ आइकन, तो बहुत बड़ी बात है। एंड आई होप दैट आई विन द अवार्ड ऑल्सो, और बहुत अच्छा लग रहा है, और आई जस्ट विश कि आगे भी ऐसे, अगला साल भी ऐसे ही अच्छा हो। एक्चुअली दादा साहब फाल्के अवार्ड मुझे पहले ही मिल चुका है 3-4 साल पहले। सबसे बड़ा अवार्ड है आई थिंक इंडिया का ये, और बहुत मान्यता है इसकी, तो आई एम लकी कि मुझे पहले ही मिले और दोबारा से मुझे यहाँ पर बुलाया गया है। लॉकडाउन कैसा रहा बताना चाहेंगे, क्या क्या किया आपने लॉकडाउन में? लॉकडाउन में तो एक्चुअली सबके साथ एक ही स्टोरी रही, किसी ने कुछ ज़्यादा खास किया नहीं। बट अगर वर्क फ्रंट पर देखें तो मेरी एक वेब सीरीज़ आई थी लॉकडाउन के ड्यूरिंग, और उसके बाद मैंने 5-6 गाने भी किए और एक और वेब सीरीज शूट करने वाला हूँ। तो 2020 इतना बुरा नहीं गया मेरे लिए, बट वैसे ओवरऑल बहुत कुछ और कर सकता था। सो आई जस्ट होप कि नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा जाए। आपको